और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आभा सिंह जी हैं, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी समय निकालने के लिए। जो ये पूरा मामला सामने आया, जिस तरह से हाई कोर्ट ने आज अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई, वो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर की मौत होती है और जिस तरह से जिस हालात में पिताजी को कहा जाता है कि आत्महत्या शायद कर ली है और फिर जाके पिता देखते हैं, वाकई में बहुत ही संवेदनहीन पूरा मामला दिख रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत सही चीज बोली कि संवेदनहीन है, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल उनको वो स्टेप डाउन करते हैं जब डॉक्टर्स के रोष को देखते हुए, और उसके बाद 12 घंटे के अंदर उनको दूसरे हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दिया जाता है। ये भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि क्या आप उनको इनाम दे रहे हैं, मतलब एक रिवॉर्ड दे रहे हैं आप, ये बात आती है। और दूसरी बात निधि जी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आती है कि जो ये आरोपी है ये सिविक पुलिस वॉलंटियर था, तो ऐसे लोगों को कैसे आप इस तरह की पावर देते हैं कि वो पुलिस के थाने में रहते हैं, ये रेप करने के बाद जाके पुलिस बैरिक में सो गया। मैं देख रही थी कि सिविक पुलिस वॉलंटियर की कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया, इसने 4 शादियां की हुई थी, ये वायलेंट था, ये बॉक्सर था, मैं तो बॉक्सर था, इसीलिए इतना ये विभत्स रूप में इसने इस लड़की का जो गर्दन का लिगामेंट थायराइड का तोड़ा है, उसकी पेल्विक इंजरी है। तो मुझे लगता है कि ये पुलिस की भी इसमें उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप किसी को वो पावर दे रहे हैं तो आपने उसका बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया। और साथ ही साथ ये पहले भी ऐसा करता रहा होगा, क्योंकि जिस बेखौफ से ये गया है, और ये बच्ची शायद प्रोटेस्ट करी इसलिए इसको मार दिया। मैं चाहूंगी कि इंक्वायरी हो कि क्या ये सीरियल रेपिस्ट तो नहीं था, पहले भी डॉक्टर्स और नर्सेज उस जगह पर रात में सो जाती होंगी थक के, तो ये करता होगा जरूर, तो ये पहला रेप नहीं होगा मेडिकल कॉलेज का, ये कई होंगे, तो इस पर भी देखना जरूरी है। और चूंकि ये ममता बैनर्जी के टाइम पे ये स्कीम आई थी 2013 में, इनफैक्ट ये सिविक वॉलंटियर्स को बोनस भी दिया जाता था, 5,000 रुपए पूजा बोनस, 8,000 रुपए इनको सरकारी तनख्वाह दी जाती थी। आप कैसे देते हैं बेलगाम लोगों को आप, और ये बेसिकली पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, पार्टी वर्कर्स हैं जिनको आप वॉलंटियर्स बना दे रहे हैं, तो आप एक तरह से अन्याय कर रहे हैं टैक्स पेयर्स पे, आप अन्याय कर रहे हैं देशवासियों पे कि आप उनके पास एक पुलिस का तमगा देके एक आरोपी को रख दे रहे हैं। तो जरूरी है, अच्छा हुआ हाईकोर्ट ने इसको सीबीआई को इंक्वायरी दी है, क्योंकि अगर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हॉस्पिटल में एडमिशंस कराता था, लोगों को मूव करता था, तो ये सब इंक्वायरी बहुत जरूरी है। ये मुझे बिल्कुल निर्भया याद दिलाता है, और किस गैर जिम्मेदारी से, क्योंकि अस्पताल के अंदर एक और एक्ट लगता है इसमें, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इसमें भी विशाखा गाइडलाइंस आई हैं कि वर्क प्लेस हैज टू बी मेड सेफ फॉर वर्किंग वुमेन। तो ये हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल के वर्क प्लेस था, तो वर्क प्लेस सेफ्टी में प्रिंसिपल ने क्या किया, अथॉरिटीज ने क्या किया, ये सब देखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इसमें सीबीआई ही सच्चा न्याय कर पाएगी। आभा जी, एक चीज और संक्षेप में, जो हमारे डॉक्टर्स की सुरक्षा है बहुत अहम पहलू है इसका, और जिस तरह से डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं, सीबीआई की मांग थी वो तो चलिए मान ली गई, लेकिन वो सेफ्टी एक्ट की जो बात कर रहे हैं वो एक मजबूती से लागू हो, उसके लिए क्या हमारे यहाँ कोई रेगुलेशंस नहीं है या कानून क्या कहता है, ऐसे में कैसे हम अपने डॉक्टर्स को सुरक्षित रख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लखनऊ से हमारे एक सहयोगी थे, उन्होंने वहाँ पे, मैं पहले सुन रही थी, उन्होंने बातचीत की, महिला डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि हाँ हमें भी ऐसा लगता है कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं हैं, कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें बाहर लेने जाना पड़ता है। तो जो सुविधाएँ हैं, हालांकि डॉक्टर्स पे सवाल ये उठ रहे हैं कि आपने देखिए ओपीडीज बंद कर दी है, ये तो बिल्कुल इमरजेंसी सेवा होती है, वो बात भी है, लेकिन हमारा भी दायित्व है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो महफूज रहें, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या किया जा सकता है ठोस? देखिए, बहुत चीज़ें, दो तरह की सुरक्षा है, एक तो ये आपकी सुरक्षा है सेफ्टी की, जो कि इस तरह के रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं जो महिलाओं पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन में अगर ये, जैसे अभी यहाँ भी डॉक्टर्स का कहना है कि रात में अगर हम जाते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो दूर दूर होते हैं, हमको अंधेरे में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, बिल्डिंग्स दूसरी होती हैं, विदेशों में इनके साथ एस्कॉर्ट्स जाते हैं, इंडिया में किसी भी डॉक्टर को एस्कॉर्ट नहीं दिया गया है। अगर आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें आधा 1 किलोमीटर पर दूसरा डिपार्टमेंट होता है, तो ये डॉक्टर्स का मानना सही है कि रात भी रात हमको जाना पड़ता है, तो आप हमको सेफ्टी सिक्योरिटी दीजिए। साथ ही साथ ये भी देखिए, अगर कभी किसी के पेशेंट को कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो जो परिवारजन है वो अपना गुस्सा इन निरीह डॉक्टरों पे निकालते हैं, जबकि उनका कोई दोष नहीं होता। तो ये भी एक जो है डॉक्टर्स की डिमांड हमेशा रही, और इसके लिए एक बिल भी लाया गया था डॉक्टर सेफ्टी का, कि अगर कोई पेशेंट हो या कोई रिश्तेदार हो अगर डॉक्टर को अटैक करेगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। इसके लिए डॉक्टर्स ने पहले भी स्ट्राइक करी थी, लेकिन ये बिल आज तक सामने
आया नहीं, तो ये डॉक्टर्स की डिमांड रही है। तो चाहूंगी मैं कि दो तरह की सेफ्टी है, एक तो उनकी सेफ्टी है कि जो अगर रात में काम कर रहे हैं, दूर से आते हैं तो उनको पिकअप है, ड्रॉप है, उनको हॉस्पिटल के अंदर की सेफ्टी है, जैसे इस तरह की घटना ना हो जैसे ये डॉक्टर को रेप किया गया। और दूसरा है कि अगर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो उनको कोई पेशेंट है, गेस्ट फैमिलीज हैं, वो उनको अटैक ना करें। तो उसके लिए तो कानून लाना पड़ेगा कि अगर कोई डॉक्टर पे हाथ उठाता है, जैसे हम लोग का पहले 332 IPC था कि अगर पब्लिक सर्वेंट पे आपने हाथ उठाया, उसको उसकी ड्यूटी करने से रोका तो 2 साल की सजा का प्रावधान है। तो उसी तरह का एक डिटेल डॉक्टर्स के लिए लाना पड़ेगा रोड मैप, कि ताकि उनके साथ कोई मिसबिहेवियर ना कर सके। मुझे तो अरुणा शानबाग भी याद आ गई, वो नर्स अस्पताल की जिसको वार्ड बॉय ने रेप किया था और 20 साल वो वेजिटेबल बन के रही। तो ये चीजें हमेशा से रही है, बट मुझे लगता है देश के नेताओं ने डॉक्टर्स को फेल किया है। बिल्कुल, नेताओं ने फेल किया। और वाकई में अब भी क्या हम इस मामले से कुछ कर पाएंगे ठोस अपने डॉक्टर्स के लिए, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आबा जी जुड़ने के लिए।